देखिए, सबसे पहले मैं एक फैक्ट क्लियर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको बताना चाहता हूँ कि WHO ने कहा है कि एंड ऑफ द ईयर तक आपके पास वैक्सीन अवेलेबल होगी। उसके बाद ही आप वैक्सीन जो है मार्केट में जाके अवेलेबल कर सकते हैं। और हमारी इंडिया जैसी कंट्री में, जो एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर वैक्सीन आने में और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से सेप्टेम्बर मंथ में हमारी जो एग्ज़ाम है उसे हम सेप्टेम्बर मंथ तक आप जितने भी बच्चे हैं, 16 लाख से 17 लाख बच्चे हैं, उनको आप वैक्सीनेट नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ वैक्सीन आने में ही कम से कम जनवरी के मंथ तक आपको वेट करना पड़ेगा। और मैं आपको एक और इंसिडेंस बताना चाहता हूँ कि पटना में एक वेडिंग हुई थी और वेडिंग में 350 लोग इकट्ठे हुए थे। ये जो है एक बहुत ही फेमस इंसिडेंस हो गया है, क्योंकि 350 में से 100 लोग से ज़्यादा लोग को होम क्वारंटाइन करा है। और वहाँ पर ऐसा पाया गया कि 100 लोग से ज़्यादा ज़्यादा लोग को कोरोना वायरस होने का प्रोबेबिलिटी पाई गई है। तो यार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 350 में से 100 लोग को अगर पॉजिटिव पाने की आशंका आती है, तो फिर 16 लाख से 17 लाख बच्चों में कितनी ज़्यादा ये नंबर आ सकता है। अगर आप देखें तो सिर्फ 10% भी अगर आप पकड़ लें कि 10% लोगों को भी अगर कोरोना पॉजिटिव होने के सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो यार कितना बड़ा लॉस होगा हमारी कंट्री के लिए। तो यार, किसी भी तरह से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सेप्टेम्बर मंथ तक हर बच्चे को वैक्सीनेट कर दें और हर बच्चे को सेफली एग्ज़ाम देने के लिए रेडी कर दें। तो मैं किसी भी तरह से ये नहीं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन हो या फिर कैंसिल हो। मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि किस तरह की वर्स्ट कंडीशन आ चुकी है हमारे देश में। इस बार की एजुकेशन सेक्टर इतना पीछे जा चुका है, किसी भी तरह से अब कॉलेजेस में एडमिशन आप देख रहे हैं कि SRM JEE की जो एग्ज़ाम है उसे भी अब 12th के नंबर पे आपका वहाँ पर एडमिशन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि VIT की जो एग्ज़ाम है उसका भी जो एडमिशन है आप 12th के बेसिस पे हो रहा है। और यार, ऐसी काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स अगर आप देखेंगे तो उन लोगों ने अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया, अपने एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया है, सिर्फ ये सोच करके कि हम इस साल एग्जामिनेशन नहीं ले सकते क्योंकि कोरोना वायरस की कंडीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है। तो यार, यही एक न्यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, कि सितंबर मंथ में किसी भी तरह से हर बच्चे को वैक्सीनेट करना आपको भी पता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यार, किसी तरह से हमको ऐसा कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ सकता है। आपको इस साल एग्जामिनेशन देते टाइम बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखना होगी। और यार, आपको अपना जो पूरा फोकस है अभी तो पढ़ाई पर लगाना चाहिए, पर जो भी अभी करना है हमारी गवर्नमेंट करेगी, और उनके कंधों पर अभी बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इतने सारी जो लाइफ है पूरी उनके हाथ में है। अब देखते हैं कि क्या डिसीजन लेते हैं हमारे HRD मिनिस्टर और गवर्नमेंट, किस तरह से सेफली एग्जाम्स को कराया जाता है। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए यार। और मैं यही चाहता हूँ कि एग्जाम्स जल्दी से जल्दी हो और आप लोग जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए और अपनी अपनी MBBS सीट और BDS सीट को लेकर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स बने। थैंक यू वेरी मच।